ललित नगर नामक गांव में एक मायावी राक्षस रहता था। यह राक्षस अपना रूप बदलकर लोगों को लालच देकर रात में अकेले में बुला लेता और फिर उन्हें मार देता। इसी गांव में मोटू नाम का एक आदमी रहता था। मोटू को समोसे खाने का बहुत शौक था। एक दिन मोटू समोसे खा रहा होता है तो उसे पास में दो आदमी बातें करते हुए दिखाई देते हैं। अरे रामू, आज रात को तो मजा आ जाएगा। आज रात हमारे गांव में एक समोसे का ठेला लगने वाला है, जहां पर हमें पेट भरकर समोसे खाने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अरे जग्गू दादा, तुम सही कह रहे हो, हम रात को मिलते हैं और फ्री में समोसे का आनंद उठाते हैं। उन दोनों आदमी की बातें सुनकर मोटू खुश हो जाता है और वो घर पर आ जाता है। मोटू के साथ उसके घर पर उसका दोस्त पतलू भी रहता था। पतलू मोटू को इतना जल्दी घर पर देखकर कहता है, अरे मोटू, आज तुम बहुत जल्दी समोसे खाकर आ गए हो, क्या बात है? अरे पतलू, रात को मुझे बाहर जाना है जरूरी काम से, तो मैं जल्दी घर आ गया हूँ, अभी मैं सो जाता हूँ। उसके बाद मोटू अपने कमरे में चला जाता है। धीरे धीरे कर पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रात को मोटू की नींद खुल जाती है। फिर वो कहता है, अरे रात हो गई है, अब तो समोसे खाने को मिलेंगे, मैं जल्दी चला जाता हूँ। उसके बाद मोटू समोसे खाने के लिए बाहर चला जाता है। मोटू उस समोसे वाले को ढूंढने लगता है। रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है। तो मोटू उस आदमी के पास जाकर उससे कहता है, अरे भैया, क्या तुम भी समोसे खाने के लिए जा रहे हो? फिर वो आदमी मोटू से कहता है, हाँ भाई साहब, मैं समोसे खाने के लिए ही जा रहा हूँ, मैं लेट हो गया हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूंगा। फिर मोटू उस आदमी के साथ समोसे खाने के लिए चला जाता है। वो आदमी मोटू को अपने साथ एक जंगल में लेकर चला जाता है। तो वहाँ पर उसे समोसे वाला आदमी दिखाई देता है। फिर मोटू उस आदमी को देखकर खुश हो जाता है। फिर वो दोनों वहाँ पर जाकर समोसे खाने लगे हैं। समोसे खाने के बाद मोटू अचानक से बेहोश हो जाता है। फिर मोटू के साथ वाला आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और वो समोसे वाला एक भूत में बदल जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पतलू की नींद खुलती है तो वो मोटू के कमरे में जाता है। तो वो देखता है कि मोटू अपने कमरे में नहीं होता है। फिर पतलू कहता है, अरे मोटू अभी तक घर नहीं आया, मुझे उसे फोन लगाना होगा। उसके बाद पतलू मोटू को फोन लगाता है, लेकिन मोटू बेहोश होने के कारण पतलू का फोन नहीं उठा पाता। तो पतलू कहता है, ये मोटू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, मुझे उसे ढूंढने के लिए बाहर जाना होगा। उसके बाद पतलू मोटू को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। पतलू मोटू को दिन भर ढूंढता है, लेकिन फिर भी उसे मोटू नहीं मिलता है। तो वह निराश होकर अपने घर लौट जाता है। घर पर आने के बाद पतलू अपने दोस्त वीर द रोबोट बॉय को बुला लेता है और उससे कहता है, अरे वीर, मोटू कल रात से घर से गायब है, अभी तक नहीं आया है, मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया है लेकिन वो नहीं मिला, तुम अपनी शक्तियों से पता करो कि वो कहाँ पर है। उसके बाद वीर अपनी शक्तियों से मोटू का पता लगा लेता है और वो पतलू से कहता है, अरे पतलू भैया, मोटू भैया को एक भूत ने जंगल में बेहोश कर दिया है, चलो मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ। उसके बाद वीर पतलू को लेकर मोटू के पास जंगल में चला जाता है। पतलू मोटू को बेहोश देखकर वीर से कहता है, अरे वीर, तुम मोटू को होश में लाओ। उसके बाद वीर अपनी शक्तियों से